बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है, राज के अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है। मानो कह रहा प्रेजिडेंट रूल नहीं लगे जी, अद्धा सूबा तुझे सबजुगेट करता। महाराजा रणजीत सिंह का सूबा पहले ही सूबी बनाया हुआ है, वाई आर यू वीकनिंग द स्टेट। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलिटिकल गेम, ए पोलिटिकल मूव है। मुख्यमंत्रियों तक नु नचाया, कठपुतलियां बना के कई जयचंद खड़े कर जिन्होंने छूपा गिर भी धरता। जयचंदा ने बेचता पंजाब, फिर भी रखता जयचंदा ने। कौन ने जयचंद? सारी दुनिया जानती। ईडी बाह मरोड़ती थी, ईडी ते किन्हां नु ईडी दे नोटिस आउंदे सी ते कौन गोडे टेक, कौन समर्थन करते, कौन कठपुतलियां बन के नचते है। दुआ पीरां की धरती है, जुल्म करना पाप ते जुल्म सहना उदू वड्डा पाप। अरे कोई नीलड़ियां कटन की लोड़ नहीं, लड़ाई लड़नी पैणी और कमजोरी की लड़ाई नहीं लड़ सकती। भावें वह विधानसभा सैशन हो, विधानसभा सैशन जरा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी के नाल हो, सारी दुनिया देखे, पंजाब का एक बच्चा देखे कि कितने खड़े है टूर्नामेंट। विधानसभा सैशन बुला के रद्द करिए अमेंडमेंटा तो पासे होकर रद्द करिए खेती कानून। धरने हो पार्लियामेंट के राज्यसभा के सारे इकट्ठे होकर लड़ाई करिए। पंजाब का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, फैडरल स्ट्रक्चर का, साड़ी होम का मुद्दा है, साड़ी एग्जिस्टेंस का मुद्दा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है, ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर किहड़ा बॉर्डर हुंदा। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलिटिकल गेम, ए पोलिटिकल मूव है। मैं कैटेगोरिकली कहना क्यों कहना, क्योंकि मैं टाइमिंग नो क्वेश्चन करना कि जब इलेक्शन आता 2-3 महीने पहला उदो ही हालात खराब होंगे पंजाब के, पहला क्यों ना हो गए? थोपिया क्यों जा रहा है? कंसेंट कितने स्टेट की? राज के अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है। और इंस्टीट्यूशंस नूं अपने पोलिटिकल मोटिव्स दे लई यूज किया जा रहा, सीबीआई होवे चाहे ईडी होवे, किन्ने एमएलएयां दे उत्ते नोटिस ने। मुख्यमंत्रियों तक नूं नचाया, कठपुतलियां बना के कई जयचंद खड़े करते जिन्होंने सूबा गिर भी धरता, चाहे उन्होंने सन इन लॉ सी चाहे वह आपसी बाहां मरोड़ियां सूबे के हक गिरवी धरते। कौन कहना प्रेजिडेंट रूल नहीं लगे जी, अद्धा सूबा तुसी सबजुगेट करता। जदों असी बाई इलैक्शन देखते होंने कहने बाई इलैक्शन नहीं है जी, ये तो पुलिस एक्शन है, तो कौन रोकूगा इन्हों? वेखो वैसट बंगाल च की होया। वैसट बंगाल दे विच मैं तुहानू कैटेगोरिकली दस रहा, 240 केसेस ने एक्यूजिंग द बीएसएफ ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर, 60 केसेस ने ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, खत्म मारते। एंड देर आर 33 केसेस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैविंग रेकमेंडेड कॉम्पेंसेशन फॉर द विक्टिम्स। Why is this happening in Punjab? Maharaja Ranjit Singh da suba pehla hi subi banaya hoya, why are you weakening the state? What is the ulterior motive? Is it political? Sahab, bhaave kheti kanoon hon te bhaave eh BSF wali gal hove, law and order is a state subject. देखो क्लॉज 1 दे विच देखो, ऑर्डर इज पीस, सेफ गार्डिंग पीपल, ट्रैंक्विलिटी, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उठे कानूना च जड़ वर्ती सूबे की 60% किसानों के उत्ते वर्चस्व,
किसी होर का आर्थिक क्यों हो राजनीतिक क्यों हो मैं कैटेगोरिकली कहना दैट देयर इज नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन गिवन टिल नाउ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लाया कड़ी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है दस टेल मी द रीजन व्हाई यू डिड इट कोई नहीं है बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं मैं पॉलिटिकल मूव इस करके कहना भी इन्हों का वर्चस्व है नहीं पंजाब दे विच देयर इज एन आउटरेज देयर इज अ पब्लिक आउटरेज कोई वोट पा के राजी नहीं सीट नहीं जीते तो जिथे जितना नहीं उथे लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त कर दो सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दो कि इलेक्शन नू कंट्रोल कर लो जिथे थोड़े कोई पोलिटिकल सपोर्ट नहीं है जिथे थोड़ा कोई वोट पा के राजी इज दिस फेयर ये डेमोक्रेटिक है महाराज कोई लीलड़ियां कटन की लड़ नहीं लड़ाई लड़नी पैनी और कमजोरी की लड़ाई नहीं लड़ सकते भावें वह विधानसभा सैशन हो विधानसभा सैशन जरा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी के नाल हो सारी दुनिया देखे पंजाब का एक एक बच्चा देखे कि कितने खड़े है चुने नुमाइंदे सत्याग्रह हो धरने हो पार्लियामेंट के राज्यसभा के सारे कट्ठे होकर लड़ाई लड़िए यह मुद्दा पंजाब का मुद्दा है देश का मुद्दा है फैडरल स्ट्रक्चर का साड़ी होम का मुद्दा है साड़ी एग्जिस्टेंस का मुद्दा है यह मुद्दा कट्ठे होकर लड़ना पैना इट कैन नॉट बी फॉट अलोन वी विल हैव टू गैट टूगैदर एंड डू दिस विधानसभा सैशन बुला के रद्द करिए अमेंडमेंटा तो पासे होकर रद्द करिए खेती कानून नहीं मानते की किया जो पानिया का मसला होया राजनीति जुड़ दी है साहब गोडे टेकन की नहीं है गुरुआ पीर की धरती है जुल्म करना पाप तो जुल्म सहना उदू वा पाप जयचंदा ने वेचता पंजाब गिरवी रखता जयचंदा ने कौन ने जयचंद सारी दुनिया जानती है कि बह मरोड़ती सी ईडी कि ईडी के नोटिस आते ते कौन गोडे टेक गए कौन समर्थन करते हैं कौन कठपुतलियां बन के नचते हैं डांस टू द ट्यून्स उन्होंने खिलाफ लड़ना पैना स्टेट के हकों के खिलाफ लड़ना पैना मैं कैटेगोरिकली कह रहा सर जे नैशनल इंटरस्ट है तो द बेस्ट वे टू डू इट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज टेक द स्टेट्स इन कॉन्फिडेंस एंड कन्विंस देम तू थोप रहे हो कानून थोपे हुण तुसीं इह थोप रहे चुने नुमाइंदे थोड़े खिलाफ मिनिस्टर थोड़े खिलाफ एमएलए थोड़े खिलाफ लोग थोड़े खिलाफ फिर किहदे लई कर रहे हो इह कादी डेमोक्रेसी है जी वाई आर यू क्रिएटिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट इस करके मैं सख्त विरोध करदा पुरजोर विरोध करदा सर इट्स अ बैटल फॉर आर एग्जिस्टेंस पोलिटिकली मोटिवेटेड है कोर निंदा करदा विदाउट ऑबटेनिंग कंसेंट ऑफ द स्टेट स्टेट गवर्नमेंट द नोटिफिकेशन अमाउंट टू एनक्रोचमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमी ऑफ द स्टेट डिसरिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक पावर्स ऑफ द पीपल वेस्टेड इन द लेजिस्लेचर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव संविधान की स्पिरिट को मार रहे हैं जड़े लोग उंगल चकते हैं मैं कहना दिखाओ कंसेंट स्टेट की कितने है कंसेंट कड़ी डिस्कशन की थी फिर द्रोह मनांगे देयरफॉर पंजाब के हर बाशिंदे की आवाज बुलंद करनी अज बहुत जरूरी सी स्टेट गौरमेंटा नू फैसिलिटेट करना चाहिए फैसिलिटेट साहब
यू कैनॉट उन्होंने सबमिशन च नहीं लेके आ सकते उन्होंने नूड़ नहीं सकते उन्होंने अधिकार नहीं खो सकते उन्होंने मौलिक फंडामेंटल राइट्स खो नहीं सकते।